समझाऊंगा, जो कि अगर आप लोग समझ जाओगे तो अपने अपने दोस्तों को भी समझा सकते हो। सो गाइस इसको पूरा अच्छी तरह से देखना, स्किप जरा सा भी मत करना मेरे भाई। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो जो कि काफी इंपॉर्टेंट लगता है फ्री फायर सेटिंग में, वो है कि कंट्रोल। और कंट्रोल में आप लोग देख सकते हो नीचे आप लोगों के एक ऑप्शन मिलता है विजुअल इफेक्ट। सो विजुअल इफेक्ट क्या है, और आप लोगों को ये तीनों ऑप्शन दिखने के लिए मिल रहा होगा, क्लासिक, डार्क, नो ब्लर। तो ये क्लासिक, डार्क, नो ब्लर किस चीज पर वर्क करता है, कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना होता है। सो गाइस मैं आप लोगों को समझाता हूं। सो गाइस यहां पर आप लोग अगर क्लासिक कर लेते हो विजुअल इफेक्ट में, तो क्या होता है कि आप लोग जोन में रहोगे तो आप लोगों को बॉडी पर एक डैमेज दिखेगा। सो डैमेज क्या है कि रेड कलर के आप लोगों को दिखेगा कि भाई देखो ये इफेक्ट आ रहा है और आप जोन में हो। ओके, अगर आप डार्क कर लेते हो तो डार्क में क्या होता है कि आप लोग अगर जोन में रहते हो तो ब्लैक कलर के आप लोगों का आसपास एक इफेक्ट दिखता है। लेकिन अगर आप लोग नो ब्लड कर लेते हो तो यहां पर क्या होता है कि आपके आसपास कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता आपके बॉडी पर, तो काफी अच्छा होता है। क्यों अच्छा, तो मैं आपको बताता हूं। सो अगर आप लोग क्लासिक रखते हो और जोन में लड़ाई करते हो, या फिर डार्क रखते हो और जोन में लड़ाई करते हो, तो क्या होता है कि आसपास आपके बॉडी पर कोई इफेक्ट दिखता है, जिसके कारण आप लोग बंदे को सपोर्ट नहीं कर पाते हो, अच्छे तरीके से देख नहीं पाते हो, अच्छे तरीके से उसे लड़ नहीं पाते हो, जिसके कारण ये कतई गंदी हो जाती है ये दोनों ऑप्शन यहां पर। सो गाइस अगर नो ब्लड रखते हो, जो कि नो ब्लड में क्या होता है कि बंदे आप लोग अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाओगे और आपको पता भी चलेगा कि मैं जोन में या फिर सेफ जोन में, लेकिन हालांकि आप लोग जोन में रहोगे लेकिन उतना इफेक्ट नहीं पता चलेगा आप लोगों को। सो गाइस यहां पर क्या होता है कि आप लोग अच्छे से एनिमी से लड़ सकते हो। जो बड़े बड़े प्रो प्लेयर होते हैं वो नो ब्लड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। एंड गाइस आप भी जाना और नो ब्लड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ओके, सो यहां पर मैं भी नो ब्लड सेलेक्ट कर लेता हूं। सो गाइस यहां पर दूसरा जो ऑप्शन है डैमेज इंडिकेटर। सो डैमेज इंडिकेटर क्या है और आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। सो गाइस यहां पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, न्यू और एक क्लासिक। सो गाइस न्यू क्या करता है कि न्यू अगर आप लोग सेलेक्ट करके रखते हो तो जब भी किसी बंदे को डैमेज दोगे, किसी बंदे को मारोगे, तो उसका जो डैमेज शो करेगा, जो लिखा हुआ डैमेज शो करता है, वहां पर आप लोगों को येलो कलर का, सॉरी आप लोग व्हाइट कलर का शो करेगा और बबल्स टाइप का शो करेगा। ओके, हालांकि अगर आप लोग क्लासिक रखते हो तो क्लासिक में क्या होता है, जब भी किसी बंदे को डैमेज दोगे तो वहां पर आप लोगों को येलो कलर का डैमेज शो करेगा। इससे क्या पता चलता है मेरे भाई कि व्हाइट कलर अगर रखते हो तो आपको कम हाईलाइट रहता है और येलो कलर रखते हो तो बहुत ज्यादा हाईलाइट दिखता है डैमेज। सो गाइस आप डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा कलर को ज्यादा अच्छे तरीके से देख पाते हो, ज्यादा अनुमान लगा पाते हो कि तो मेरी मानो मेरे भाई तो आप लोगों को क्लासिक रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि व्हाइट कलर से ज्यादा येलो कलर बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है और लॉन्ग रेंज में भी मारोगे तो आपको पता चलेगा कि बंदे कितना डैमेज है और कितना गोली मारेगा तो बंदा मर जाएगा। सो गाइस अभी जाओ और आप लोग डैमेज इंडिकेटर में क्लासिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। ओके, जो बड़े बड़े प्रो प्लेयर होते हैं वो भी क्लासिक रखते हैं। ओके गाइस, सो गाइस यहां पर थर्ड ऑप्शन है ऑटो पैराशूट। सो ऑटो पैराशूट क्या है और आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए? तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, ऑन और ऑफ। सो मेरे भाई यहां पर अगर ऑन रखते हो तो क्या होता है, जैसे आप लोग एरोप्लेन से लैंड करते हो, एग्जिट जैसे क्लिक करते हो, जैसे नीचे जाते हो, अगर ऑन रहता तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि नीचे की ओर जाने लगते हो। लेकिन यही अगर ऑफ रखते हो तो क्या होता है, जैसे आप लोग एरोप्लेन से एग्जिट करोगे तो आप लोग हवा में लटका हुआ पाओगे। हां मेरे भाई, हवा में लटका हुआ पाओगे और आपको क्या करना, थंब से नीचे लग जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मानो तो यहां पर जो वन ऑफ द बेस्ट है जो ऑप्शन है वो है ऑन, क्योंकि अगर आप लोग ऑफ रखते हो तो काफी टाइम लग जाता है आप लोगों को लैंड करने में, बहुत लेट होता है लैंड करने में अगर ऑफ रखते हो, और जिसके कारण आपका एनिमी पहले लैंड कर जाता है और उसके पास गन आ जाती है तो आपको इजी वे में मार देगा। सो गाइस अभी जाओ और ऑटो पैराशूट में क्या करना, ऑन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ओके, सो गाइस आप दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें तो इन गेम टिप्स। तो इन गेम टिप्स क्या है और आप लोगों को डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए या फिर सिंप्लीफाइड करना चाहिए? सो गाइस अगर आप लोग डिफॉल्ट करते हो तो डिफॉल्ट में क्या होता है कि आप लोग गेम में जब भी जोन का जो वार्निंग देता है, सेफ जोन वार्निंग जो देता है, लिखा हुआ आता है स्क्रीन पर, तो वो बड़ा आता है। अगर आप लोग सिंप्लीफाइड करते हैं वो छोटा आता है। सो गाइस आपको कौन सा मैटर रखता है कि भाई आप लोग किस चीज को अच्छी तरीके से देख पाते हो? मेरे हिसाब से मानो तो आप लोग सिंप्लीफाइड बेस्ट होगा, वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो इसके बारे में समझो। सो गाइस यहां पर अगर आप लोग डिफॉल्ट रखते हो तो आप लोगों जो यहां पर जो बड़ा जैसा शो करता है डैमेज, सॉरी आप लोग जो वार्निंग शो करता है वो काफी बड़ा होता है, जिसके कारण आप लोग एनिमी को अच्छे तरीके से देख नहीं पाते हो, काफी वो दिक्कत आ जाता है बीच में जब आता है। अगर आप लोग सिंप्लीफाइड कर देते हो तो काफी आसानी हो जाती है बंदे को आसपास देखने में। ओके, सो गाइस अभी जाना और इन गेम टिप्स में आप लोग सिंप्लीफाइड कर लेना, काफी अच्छा ऑप्शन है मेरे भाई। बड़े बड़े प्रो प्लेयर भी यही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और मेरे भाई चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके से टिप्स और इवेंट अपडेट के बारे में वीडियो आती रहती है। सो गाइस यहां पर पांचवा ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सो गाइस पांचवा ऑप्शन क्या है, व्हीकल्स कंट्रोल। तो व्हीकल कंट्रोल्स क्या है और यहां पर दो ऑप्शन मिल रहा होगा, टू हैंड और वन हैंड। सो गाइस यहां पर दोनों ऑप्शन किस चीज पर वर्क करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो गाइस अगर
अगर आप लोग टू हैंड रखते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग मैं वीडियो हमेशा लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ और अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाओ। सो गाइस अगर आप लोग टू हैंड सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है कि जब भी आप लोग कार चलाते हो, कोई भी गाड़ी चलाते हो, कंट्रोल करते हो, किसी गाड़ी का कंट्रोलर रहता है, वो आप लोगों को काफ़ी डिफरेंट दिखता है। डिफरेंट क्या दिखता है कि आप लोगों को यहाँ पर आगे और पीछे जाने के अलग एक बटन दिया जाता है और लेफ्ट और राइट जाने के लिए भी एक अलग बटन दिया जाता है। लेकिन अगर आप लोग वन हैंड कर लेते हो तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप लोग अपने जो थंब है, थंब से आपको आप लोग कंट्रोल करना पड़ेगा व्हीकल्स को, जिसके कारण क्या होता है कि आप लोग अच्छी तरीके से गाड़ी को नहीं चला पाओगे, अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आप लोग काफी झेलना पड़ेगा। अगर एनिमी भी रहे तो आपको मार सकता है। तो मेरे हिसाब से मानो तो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग जिसको बोल सकते हैं वो टू हैंड है। सो गाइस आप लोग जाना टू हैंड सेलेक्ट कर लेना। ओके सो गाइस यहाँ पर अब आती है AWM स्नैपिंग। सो AWM स्नैपिंग क्या है, और आप लोगों को यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता होगा, नॉर्मल और होल्ड फायर टू स्कोप। तो ये दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है वो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो गाइस आप लोग वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से, तो भाई आपको पूरा अच्छे तरीके से सिखा देगा। ओके तो यहाँ पर नॉर्मल क्या होता है और होल्ड फायर टू स्कोप क्या होता है। सो गाइस अगर आप लोग नॉर्मल रखते हो AWM स्नैपिंग में, सो यहाँ पर नॉर्मल रखोगे तो क्या होगा, जब भी बंदे को मारोगे तो वो जूम नहीं लेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट फायर हो जाएगा। ओके सो यहाँ पर क्या होता है, अगर नॉर्मल रखते हो तो शॉर्ट रेंज में मारने में काफी आसान होती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर होल्ड फायर टू स्कोप क्या होता है कि अगर आप लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हो, जब भी किसी एनिमी को मारोगे तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसका जो जूम होता है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग जो मैं बताऊँ, होल्ड फायर टू स्कोप क्यों रखना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पर अगर नॉर्मल रखते हो तो क्या होता है कि आप लोग जूम नहीं लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि बंदे पर अच्छी तरीके से एम नहीं जा पाता। हाँ मेरे भाई, अच्छी तरीके से एम नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर जो AWM का जो एम होता है वो नहीं दिया जाता, व्हाइट कलर का देखना, बीच में एम नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी मतलब आप लोगों को कस्टम मोड में जाना और कस्टम मोड में जाके बीच में सेलेक्ट कर लेना, तब जाकर आप लोग ये परफेक्ट हो सकता है। लेकिन मेरी मानो तो होल्ड फायर टू स्कोप वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग है, जो बड़े बड़े प्रो प्लेयर भी यही सेटिंग यूज करते हैं। ओके इसमें क्या होता है कि आपका जो गन रिलोड नहीं लेता है, काफी अच्छी चीज होती है। सो गाइस आप लोग जाना होल्ड टू फायर टू स्कोप कर लेना। ओके सो गाइस यहां पर किक रिलोड क्या है, सो किक रिलोड क्या है कि आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग किक रिलोड ऑन रखते हो तो आप लोगों को यहां पर एक बटन मिल जाएगा, देख सकते हो किक रिलोड का, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका गन अपने आप ऑटोमेटिक रिलोड ले लेगा, ठीक है। तो कुछ बंदे क्या होता है डायरेक्ट गन पर टाइप करते हैं और रिलोड लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग देख सकते हो फायर बटन से काफी दूर पड़ जाता है, काफी डिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण आप लोग रिलोड लेने में काफी टाइम लग जाता है। भाई 2 ही सेकंड टाइम ज्यादा लेता है, तो उसी को मैटर रखता है मेरे भाई। 2 सेकंड में आप बंदे को मार सकते हो और 2 सेकंड में आप लोग बंदे से मर सकते हो। सो गाइस आप पर मैटर रखता है कि कितना फास्ट आप लोग रिलोड लोगे और फिर बंदे पर मारोगे। सो गाइस मेरी मानो तो यहां पर आप लोगों को रिलोड बटन ऑन रखना चाहिए और अपने फायर बटन के करीब रखना चाहिए, ताकि जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे और आपका गन रिलोड फटाक से हो जाएगा और बंदे को किल कर दोगे। सो गाइस यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, क्विक वेपन्स यूज के बारे में। सो गाइस यहां भी बहुत ही अच्छा मैटर रखता है आपको नूब से प्रो बनाने में। हां मेरे भाई, यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑन और ऑफ। सो ऑन ये क्या है और ऑफ क्या है इसके बारे में आपको समझाता हूं। सो गाइस यहां पर ऑन रखते हो तो फिर से आपको कस्टम मोड में जाना पड़ेगा और आपको एक बटन देखने के लिए मिलेगा, और इस बटन से क्या होगा कि जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे इस बटन पे तो आपका गन एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है कि आपका गन दो है और जैसे क्लिक करोगे तो गन है, जैसे गन चेंज करते हो ना शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज में, सो उसी अगर आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आपका गन चेंज हो जाएगा। सो गाइस आप पर मैटर रखता है कि आप लोग किस तरीके से फास्ट कर सकते हो, बटन यूज करके फास्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आपको गन वाले टाइप करके फास्ट कर सकते हो। सो गाइस मेरी मानो तो आप लोग ऑन भी रख सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो। मैं यहां पर ऑफ रखता हूं, सो आपकी जो मर्जी आप वो रख सकते हो। यहां पर आप पर डिपेंड करता है, किसी प्रो प्लेयर पर डिपेंड नहीं करता है। सो गाइस यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है लेफ्ट फायर बटन, और यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाता है, एलवेज और स्कोप ओनली। सो यहाँ पर एलवेज किस चीज़ पर वर्क करता है और स्कोप ओनली किस चीज़ पर वर्क करता है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। सो गाइस अगर लेफ्ट फायर बटन को ऑन रखते हो, एलवेज रखते हो, सो एलवेज रखने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, देख सकते हो ये वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट ये फायर बटन होती है, सो ये एलवेज आप लोगों को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग विदाउट जूम भी करोगे तो पहले से ये शो करेगा। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको यहाँ से लेफ्ट फायर बटन चलाना सबसे अच्छा लगता है तो आप लोग ऑन रख सकते हो, नहीं तो आप लोग स्कोप ऑन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से हैंडल कर पाते हो, आपकी स्किल क्या है। ओके सो उसके हिसाब से आप लोग एलवेज कर सकते हो या फिर स्कोप ऑन नहीं कर सकते हो। स्कोप ऑन में क्या होता है, आप लोग जूम आउट करने में काफी अच्छी लगती है और आप लोग अच्छी तरीके से जूम आउट चला सकते हो। ओके सो मैं यहां पर स्कोप ऑन नहीं रखता हूं, एंड आपकी स्किल कैसी है उसके हिसाब से आप लोग एलवेज या फिर स्कोप ऑन नहीं रख सकते हो। ओके सो गाइस सबसे लास्ट और वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग फ्री फायर की, जो कि आप लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके हो आप यहां से नूब से प्रो बनने वाले हो, जो कि
कि आप पर काफी मैटर रखता है। ओके तो सो गाइस यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है इंप्रेशंस, और यहां पर आप लोगों को तीन ऑप्शन भी मिल जाता है, डिफॉल्ट, प्रीसेट्स ऑन अ स्कोप, और यहां पर लास्ट है फुल कंट्रोल। सो गाइस यहां पर कौन सा सेटिंग आप लोग रखना चाहिए, काफी बंदे क्या होता है प्रीसेट्स ऑन अ स्कोप रखते हैं जो कि काफी गलती करते हैं, और यहां पर सबसे जो मेन सबसे जो बेस्ट सेटिंग यहां पर बोलूंगा वो डिफॉल्ट होता है। क्यों होता है पहले आपको ये समझिए। सो गाइस यहां पर डिफॉल्ट में क्या होता है कि अगर लॉन्ग रेंज में बंदे को मारते हो तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट बंदे को एम ले लेगा, उस पर डैमेज देने लगेगा, और शॉर्ट रेंज में भी मारोगे तो ऑटोमेटिकली बंदे पर एम ले लेगा। इससे क्या होता है कि भाई अगर आपका एम भी अच्छा सा नहीं है तो आप अगर फायर करते हो तो बंदे पर अच्छी तरीके से एम ले लेता है। और प्रीसिस ऑन स्कोप में क्या है कि आप लोग लॉन्ग रेंज में आप लोगों को बंदे पर एम करना पड़ेगा तब फायर करना पड़ेगा, अगर आप लोग एम नहीं कर पाते हो तो बंदे पर डायरेक्टली नहीं लगेगा। हाँ मेरे भाई ऐसा होता है, बहुत सारे बंदे प्रीसिस ऑन स्कोप रखते हैं, और उसकी क्यों रखते हैं वो अच्छे से इस पर एक्सपर्ट होते हैं और अच्छी तरीके से हेड लेना जानते हैं तब ये यूज करते हैं। कब यूज करना चाहिए, जैसे कोई बंदा टावर से मार रहा क्या करना है कि आप लोग प्रीसिस ऑन स्कोप कर लेना गेम के अंदर ही, और अच्छी तरीके से जूम करके उसको मुंह पर मार सकते हो, तो काफी अच्छी चीज होती है। और शॉर्ट रेंज में आप लोग डिफॉल्ट वाला ही वर्क करता है। ओके और फुल कंट्रोल में क्या होता है मेरे भाई, लॉन्ग रेंज में भी एम नहीं ले पाएगा और शॉर्ट रेंज में नहीं ले